हर तरफ एक ही वर्ड आजकल सुनाई दे रहा है ओलंपियाड एग्जाम्स छोटे बच्चे एल के जी यू के जी के पेरेंट्स भी अपने बच्चों को ओलंपियाड में बैठाना चाहते हैं एट्थ नाइन्थ टेंथ के बच्चे तो बैठते ही हैं फोर्थ फिफ्थ के बच्चों के पेरेंट्स में भी आजकल काफी क्रेज है मेरा बच्चा ओलंपियाड की प्रेपरेशन करे मेडल लाए आज इस वीडियो में आपको पांच ऐसे रीजंस मिलने वाले हैं जो आपको बताएंगे कि क्यों ओलंपियाड एग्जाम्स इंपॉर्टेंट होते हैं सो प्लीज वॉच द वीडियो टिल द एंड एंड ऑल्सो डू नॉट फोरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच वीडियोज रीजन नंबर वन अकेडमिक एक्सेलेंस बच्चे जब ओलंपियाड देते हैं तो पर्टिकुलरली कुछ एक सब्जेक्ट में देते हैं या दो या तीन सब्जेक्ट में देते हैं मैक्सिमम तो जब वो सब्जेक्ट की इन डेप्थ नॉलेज लेते हैं ओलंपियाड एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करने के लिए ऑटोमेटिकली वो अपने एकेडमिक यानी स्कूल के जो पेपर्स होते हैं उसमें भी परफॉर्म करते हैं अच्छा फॉर एग्जांपल अगर बच्चा मैथ्स ओलंपियाड में बैठ रहा है तो उसके लिए प्रिपेयर करने के लिए उसको अपने स्कूल के कोर्स से ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी ऑटोमेटिकली जब वो स्कूल्स के एग्जाम्स देगा तो उसकी अंडरस्टैंडिंग एंड प्रोफिशेंसी लेवल बढ़ा हुआ होगा रीजन नंबर टू चैलेंज एंड एनरिचमेंट जब बच्चा ओलंपियाड एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करता है तो उसके सामने चैलेंजिंग क्वेश्चन सॉल्व करने का बात आती है इसकी वजह से उसकी क्रिटिकल थिंकिंग एंड एनालिटिकल स्किल्स भी काफी डेवलप हो जाती हैं। जब बच्चा कुछ नया पढ़ता है अपने सब्जेक्ट से ज्यादा पढ़ता है तो उसकी इंटेलेक्चुअल क्यूरोसिटी भी बढ़ती है और उसकी पर्सनल ग्रोथ भी होती है रीजन नंबर थ्री रेकग्निशन एंड प्रेस्टीज जब बच्चा आई जैसे अच्छे ओलंपियाड्स क्रैक करता है उसमें अच्छी रैंकिंग लाता है तो उसका नाम भी स्कूल में होता है उसके स्कूल का नाम भी होता है एंड अगर इंटरनेशनल ओलंपियाड्स उसने क्रैक किया है तो पूरे इंटरनेशनल लेवल पर उसका नाम होता है तो Uh, अच्छा लगता है बच्चे को एंड उसके अलावा स्कॉलरशिप्स की ओपरचुनिटी भी मिलती है हायर क्लासेस के ओलंपियाड के बाद उसमें अच्छी रैंक लाने के बाद उनको इंटर्नशिप के लिए भी कई बार कॉल्स आते हैं और मेडल जीतना किसे अच्छा नहीं लगता है तो बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़ता है रीजन नंबर फोर कॉम्पिटिटिव एज मतलब जब बच्चा ओलंपियाड देता है उसमें रैंक लाता है तो जब वो अपनी सीवी बना रहा होता है कहीं इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर रहा होता है तो एडिशनल चीज़ होती है उसमें एंड ये चीज़ें काफ़ी मैटर करती हैं हम सबको पता है कि आजकल कितना कंपटीशन है अगर एक जॉब पोस्ट निकली है तो उसके लिए हजारों लाखों एप्लीकेशन आते हैं राइट तो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा तो होना ही चाहिए ना सीवी में ओलंपियाड एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्म करना और उसका सीवी में लिखे जाना कहीं ना कहीं मैटर करता है नेक्स्ट, नेक्स्ट रीजन इंटरेस्ट एंड स्किल डेवलपमेंट कई बार बच्चों को अपने इंटरेस्ट का सब्जेक्ट काफ़ी बाद में रिलाइज होता है बच्चों को क्या हम बड़ों को भी के साथ भी ऐसे ही होता है राइट हम जॉब कोई और कर रहे होते हैं और बाद में लगता है कि नहीं इस जॉब से सेटिस्फाइड नहीं है एंड हमें कुछ और करना है कुछ और करने का मन है मेरे स्किल सेट तो कुछ और हैं ओलंपियाड एग्ज़ाम जब बच्चा देता है तो सब्जेक्ट्स की जब वो इन डेप्थ नॉलेज लेता है तो कई बार वो नॉलेज लेते लेते बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप होने लगता है एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट या एक पर्टिकुलर चीज में और फिर बच्चा अपने स्किल्स उसमें और बढ़ाने की कोशिश करता है रीजन नंबर फाइव एक्सपोजर टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स आई जैसे प्रेस्टीजियस ओलंपियाड में बैठने के बाद बच्चे को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का भी पता चलता है कि वर्ल्ड वाइड क्या क्या चल रहा है किस एज के बच्चे क्या पढ़ रहे हैं कई बार क्रॉस कल्चरल एक्सचेंजेस होते हैं तो जो बच्चे ओलंपियाड में बैठे होते हैं या फिर उनको नॉलेज होती है एक्स्ट्रा तो उसमें ऐसे बच्चों को एक अपर हैंड मिलता है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें आपको और ओलंपियाड रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है टिल देन टेक केयर बाय बाय